अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बर्गर। बर्गर बनाने के लिए पहले तो हम शामी कबाब बना लेते हैं। आप इस तरह प्लेट में डाल के उसको गोलाई में कर लें, जितना बर्गर है इतना बना लें। अब इसको उठाएंगे, अपने पैन में डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, थोड़ा तो पतला होना चाहिए कि ये जब तेल में जाता है तो फूल जाता है। 2 मिनट बाद इनको हम उल्टा कर देंगे। बारी बारी निकालते जाएंगे, 8 से 10 मिनट काफी होते हैं इनके लिए। कीबाब तैयार कर लिया है, तो आइए सैंडविच बनाते हैं। अब हम बर्गर बनाएंगे। इनको बंद भी बोलते हैं, बर्गर भी बोलते हैं। इनको खोल लेंगे और तवे पर सेक लेंगे। सेकने से इनका जो मजा है वो दुबाला हो जाता है। अब ये बर्गर बनाने के लिए मेरे पास किबाब है, ये चीज है, ये इस तरह के पैकेट हमें मिलते हैं बहुत सारे। ये खोल लेते हैं। प्याज जाएंगे, टमाटर जाएंगे, खीरा जाएगा, सलाद जाएगा, केचप जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। केचप डालते हैं, आराम आराम से आप नीचे रखेंगे। सलाद इधर उधर से तोड़ लेंगे, बाहर से निकला हुआ अच्छा नहीं लगता। ऊपर रखेंगे चीज, एक और टिकिया, हम रखेंगे टमाटर, एक तरफ खीरा, अब ऊपर रखेंगे किबाब। किबाब भारी होता है तो ये रोक लेता है गिरने से चीजों को। अब ऊपर रखेंगे प्याज, फिर रखेंगे चीज, अब इस पर भी लगाएंगे केचप। अब लेंगे एल्यूमिनियम शीट, अच्छा अब हम लेंगे एक स्टिक। ये स्टिक बनी होती है किबाब वगैरह बनाने के लिए, इसको अब इसमें डाल देंगे कि ये गिरेगा नहीं। अब ऊपर से इसको तोड़ देंगे, अब इसको लपेट देंगे। ये सब लपेट लिया, इसी तरह सब तैयार कर लेते हैं। अब जी तला सईद ने आज जाना है पिकनिक पे, तो ये डब्बे में डाल देंगे। वैसे डालने से टूट जाते हैं, डब्बे में डालेंगे। अच्छा जी, अब तला सईद नहीं जाना है पिकनिक पे, दोस्तों के साथ ये बैग लेंगे। बैग में डालेंगे ये इसकी पिकनिक। ये डब्बे में डालकर बच्चों को दिया करें, वैसे टूट जाते हैं। नीचे ये रखेंगे, एक ये बॉसो है, बच्चे पसंद करते हैं, ये साथ रखेंगे। वसो नहीं, कोल्ड ड्रिंक, ये पानी की बोतल भी साथ ले जाएंगे। ये साथ वाली पॉकेट में डाल देंगे।
एक बिस्किट का डब्बा, कुछ चॉकलेट, एक चिप्स का पैकेट। ये हो गई तलासाई की पिकनिक तैयार। आप रखेंगे साफ टिश्यू। ये जो बाहर वाली पॉकेट है इसमें टिश्यू डाल देंगे। ये बच्चे हाथ साफ करते हैं जब खाना खाते हैं उसके बाद। अब ये एक छोटा पैकेट टिश्यू का साथ होता है, बच्चों को कोई जरूरत पड़े, कोई नोजी वगैरह आए, मुंह साफ करना पड़े, इससे भी कर सकते हैं। ये जी तला सही तैयार हो गया। मैं वीडियो बना रही हूँ कि तला की नानो देखेगी कि तला माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। अब ये देखें, अच्छा तला दूसरी तरफ मुंह कर, तला ने अपना बैग कंधे पे रख लिया, ये सारे बच्चे रख लेते हैं। अब इसने क्लास के साथ जाना है, अच्छा मेरी तरफ मुंह करो, तो क्लास जो है वो पैराशीट से इन्होंने छलांगे मारनी है, उसमें बैठना है, ऊपर उड़ना है, फिर नीचे आना है। तो इस तरह करके ये बच्चे एंजॉय करते रहते हैं। अब बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां हैं, 15 छुट्टियां हैं, तो इसलिए अब बच्चे एंजॉय करेंगे। अब ये जाएगा तो अल्लाह इसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.